कितनी जमीन। हम जिंदगी भर इन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें यह मिल जाए, हमें वह मिल जाए। हमारी इच्छाएं असीमित व सपने अनंत हैं। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं और लालचवश संग्रहित वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाते। यह मोह से भरा हुआ संसार एक स्वप्न की ही तरह है। यह तब तक ही सत्य प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है, परंतु जाग जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। आदि शंकराचार्य। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ था, जबकि छोटी का विवाह देहात में किसान के घर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। मैं तो अपनी जिंदगी की तुम्हारे साथ अदला बदली कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिकर से तो छूटे हैं। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। छोटी बहन का पति दीना ओसारे में बैठा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है, बात आई गई हो गई। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है, वहां जमीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा, मैं यहां तंग सकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूं, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहां की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर वहीं क्यों ना पहुंचूं और नए सिरे से जीवन शुरू करके देखूं। उसने अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना भालना और खुद एक नौकर को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीजें खरीदी। सातवें रोज वे कोल लोगों की बस्ती में जा पहुंचे। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिये के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास से भेंट की जाने वाली चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। फिर दुभाषिये से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिये ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और यह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी। दुभाषिये ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल ही रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिये ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने
फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा कमी नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस जमीन का कागज पक्का कर दिया था, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1,000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का यह हिसाब कैसा है, यह बताइए कितने एकड़। सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1,000। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तब तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक नजर जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें से जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी, धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी, कहा, यह निशान रहा, यहां से चलो और यहीं आ जाओ, जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीने चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1,001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी कि आसानी से दिखाई दे, फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई, उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से वास्कट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतार कर अपनी धोती में खोंस लिए और फिर बढ़ चला। अब चलना आसान था, सोचा, अभी 3-1 मील तो और चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ू उतनी जमीन
एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दीख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दीख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह मैं इधर काफी बढ़ा आया हूं, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहां ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया, उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया, गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहां ऐसी पटसन उगेगी कि क्या कहना। यह सोचकर उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकपी के धुंधकारे में से टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली हैं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा, सूरज कोई दो तिहाई अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो, मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। यह सोचकर दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांध कर वह टेकड़ी की तरफ चला। धूप उसका सत ले चुकी थी, नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में पश्चाताप कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने इतने पैर पसारे क्यों, अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया, कंधे से वास्कट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रह कर सोचता कि मैं क्या करूं, बना काम बिगड़ा जा रहा है, अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धौंकनी की तरह चल उठी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा, उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही ना हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी, वे उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों से उसका दिल और सुलग उठा।
अपनी आखिरी ताकत समेट कर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिला कर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हों। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई।